उम्र में अपने बच्चों के साथ मुझे नहा रहा था, अचानक की घंटी बजी तो मैंने देखा हमारे दोस्त विजेंद्र वर्मा जी का फोन था मुंबई से। पहले वो हमारे साथ कई शॉर्ट फिल्मों में काम कर चुके हैं, डायरेक्शन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे इंसान हैं। इतने में उनसे मेरी वार्ता होने लगी, उन्होंने मुझे एक शॉर्ट फिल्म की स्टोरी सुना दी। जैसे उन्होंने वो स्टोरी सुनाई, वो स्टोरी मुझे बेहद पसंद आई। मैंने वर्मा जी को बोला आप इस फिल्म को तत्काल बना दीजिए, कितनी जल्दी बना सकते हैं। बोला कि मैं एक हफ्ते के अंदर इस फिल्म को अंजाम दे दूंगा, तो आपको उन्होंने फौरन एक्ट्रेस से बात करी, क्या वर्मा जी ने उस फिल्म को अंजाम दे दिया। राजा साहब, दौलत हमेशा बंद की नहीं रहती, इधर से उधर जाना तो इसकी फितरत में है। राजा को नहीं पता कि रानी ने उसके साथ चीट किया, और रानी को नहीं पता कि राजा ने उसके साथ चीट किया। अब इन दोनों से मैं खजाना लूटता रहूंगा। लिटरली ये फिल्म बहुत ज़बरदस्त कामयाबी देगी। जिन लोगों ने काम किया है मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। इत्तेफाक रहा कि मैं उनसे मुलाकात नहीं कर पाया, लेकिन मैं नेक्स्ट टाइम जब भी मुंबई आऊँगा उनके साथ एक गेट टुगेदर, एक पार्टी एक अरेंज कर दूँगा, उनसे मिलूँगा। फिलहाल उन्होंने जो भी काम किया मुझे बहुत पसंद आया। विजय बाबा को देखिए।
हाँ।